रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम डॉक्टर इमाज, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट। अभी रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने की के अंदर अक्सर ये देखने में आता है कि लोग जो है सुबह से सहर के वक्त जो है ऑयली फूड खा के अपने आप को डिहाइड्रेटेड कर लेते हैं। तो इसी वास्ते मैं सब पेशेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके बेवरेजेस से बचिए, कूल ड्रिंक से बचिए, और बाहर का फूड, आउटसाइड फूड और ऑयली फूड, डीप फ्राइड फूड से बचिए, वरना डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। इसके वास्ते जितना हो सके नींबू पानी, ऑरेंज जूस और बग़ैर शक्कर का ऑरेंज जूस, और ज़्यादा पानी पीना, और वाटरी फ्रूट्स शाम के वक़्त खाना इफ्तार में, ऐसे चीज़ें अगर करेंगे तो डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। और बच्चे भी जो 11-12 साल के बाद जब रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता, वैसे जो बच्चे रहते, वैसे बच्चों को भी हम जो है बाहर की चीज़ें, बेवरेजेस, कूल ड्रिंक्स इफ्तार के बाद नहीं पिलाना। बेहतर ये रहता कि उनको पानी ही पिलाइए, जितना हो सके पानी पिलाइए, उससे सारे टॉक्सिन्स फ्लश हो जाएंगे और डिहाइड्रेशन नहीं होगा बच्चों को। और जितना हो सके सुबह के वक़्त भी, सहर के वक़्त भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करिए, और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। ऐसे चीज़ों से जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल जूसेस हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर है, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से सनस्ट्रोक हो रहा, बहुत सारे बच्चों को सनस्ट्रोक हो रहा, बहुत सारे बच्चों को वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस हो रहे। ये सब चीज़ों से बचने के वास्ते जितना हो सके बाहर के शुगर केन के जूसेस, गन्ने का जूस, बाहर बंडी पे के नींबू पानी, ऐसे चीज़ों से बचने की कोशिश करो। सब एक सवाल है कि रोज़े की हालत में बाल कटा सकते हैं या नहीं कटा सकते, एक छोटा सा सवाल है। नहीं, रोज़े की हालत में बाल कटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जैसे वजू करते वक्त नाक में पानी लिए तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा? नहीं, नाक में पानी नरम हड्डी तक नहीं लेना है, बल्कि थोड़ा सा पानी ले सकते, कुछ नहीं होता। हॉस्पिटल की टाइमिंग क्या रहेगी सब रमज़ान की? हमारे पास बच्चों का जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर इमाज क्लिनिक, 12:30 से 2 बजे तक, दोपहर में 12:30 to 2, और रात में तरावी के बाद 10:30 to 11:30, सिर्फ ये दो टाइमिंग्स मुकर्रर है। इसके बाद ये मेहदीपट्नम ब्रांच के, और ऊपर पल्ली पे तो अभी रमज़ान में क्लोज है, दो ब्रांचेस हैं, एक ऊपर पल्ली में और एक मेहदीपट्नम में है। मेहदीपट्नम में पिलर नंबर 49 से अंदर आने के बाद राइट साइड पे, और पिलर नंबर 28 से भी सीधा आ गए तो थर्ड लेफ्ट। रमज़ान की टाइमिंग है? सिर्फ रमज़ान की है, रमज़ान के अलावा टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगे, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।